हम बाइकर्स की लाइफ में एक टाइम आता है जब हम बाइक ख़रीदने के लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं और फिर कुछ हज़ारों किलोमीटर चलाने के बाद फिर एक समय आता है जब हम नए टायर्स की रिसर्च करते हैं। मेरी मोटरसाइकिल के लिए ये मेरे लिए थर्ड टाइम था जब मैं टायर चेंज करने का सोच ही रहा था कि मैक्सिस ने हमें अपने मोटरसाइकिल टायर टेस्ट करने के लिए ऑफ़र किया। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स ग्रैब द ऑफ़र एंड टेस्ट इट आउट। सो ये हैं एक्स्ट्रा मैक्स M6233 एंड M6234। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियरफ्लिक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस टायर का परफॉर्मेंस कैसा है। इस टायर को मैं अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये टायर हमें मिला था लॉकडाउन से पहले 2021 में, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लॉकडाउन एंड आफ्टर दैट सीरीज ऑफ लॉन्चेस हमें मौका नहीं मिला। तो आज कुछ महीनों चलाने के बाद इस टायर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम इस वीडियो को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कि लुक्स, ग्रिप, परफॉर्मेंस, कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग, रफ रोड परफॉर्मेंस, वेट कंडीशन परफॉर्मेंस, इसकी कीमत और डू वी रियली रिकमेंड इट। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक गियरफ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। लुक्स की बात करें तो M6233 और M6234 लुक्स वेरी स्पोर्टी टायर, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के टायर लगते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आगे के टायर के डिज़ाइन या ट्रेड पैटर्न जो हैं वो पीछे के टायर के ट्रेड डिज़ाइन से काफ़ी वेरी करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट यस वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, बिकॉज जो दोनों का पर्पस है वो अलग होता है। आगे का टायर जो सबसे ज़्यादा फोर्स फील करता है वो है ड्यूरिंग ब्रेकिंग और द हार्ड ब्रेकिंग इन ड्राई कंडीशन, इन वेट कंडीशन। और जो पीछे का टायर है वो गाड़ी को पुश करने के लिए यूज़ होता है, हालांकि दोनों उसमें भी ब्रेकिंग होती है, बट देन यूजली वी डू 70-30% रेशियो, 70% फ्रंट, 30% रियर टायर। स्पेशली अगर मैं पीछे की टायर की बात करूँ 140/70/17, जो थोड़ा पतला लगता है इस साइज़ की बाइक के लिए, बट अब नई मोजो में यही टायर साइज़ आते हैं बिकॉज इट गिव्स बेटर माइलेज एंड परफॉर्मेंस। ग्रिप और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये टायर ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। मैक्सिस ने हमें ये टायर्स रिव्यू करने के लिए दिए और मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई रियली लाइक इट्स ग्रिप एंड परफॉर्मेंस। हाई स्पीड हैंडलिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी रेज हुआ है। रोड और टायर का बिहेवियर फील होता है, यू फील कनेक्टेड विद द रोड विच हेल्प्स यू राइड मोर कॉन्फिडेंटली। ये जो एक्स्ट्रा मैक्स के टायर्स हैं ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट एरामिड फाइबर से बने हैं। ये वही फाइबर है जो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जो बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं और पंचर होने के चांसेस भी कम करते हैं। अब अगर कॉर्नरिंग की बात करें, स्पेशली इन सिटी जो आपको ट्रैक की तरह नहीं करना चाहिए, ओपन रोड्स में जो एवरेज कॉर्नरिंग हम करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते हैं। इसमें ड्यूल कंपाउंड कंपोजिशन यूज़ हुआ है। इस टायर का जो सेंटर कंपाउंड है वो रोलिंग रेजिस्टेंस को काफ़ी कम कर देता है और वहीं बाइक की स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ ये टायर की लाइफ भी बढ़ा देता है। और इस टायर का जो साइड कंपाउंड है वो ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ाता है और आपका जो कंट्रोल है ड्यूरिंग कॉर्नरिंग उसमें काफ़ी आपको हेल्प करता है। एक जो काकस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी रिजिड होता है जो एक हाई प्रेशर एयर को सस्टेन करे, और साथ ही साथ वो फ्लेक्सिबल भी होता है, जो इम्पैक्ट आता है टायर में गड्ढों में जाने के बाद उसको वो आराम से एब्जॉर्व कर सके। सो दिस इज़ वन यूनिक फीचर दैट मैक्सिस टायर्स प्रोवाइड इन देयर एक्स्ट्रा मैक्स सीरीज। ब्रेकिंग की अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ब्रेकिंग रेशियो 70-30% यूज़ करते हैं, 70% फ्रंट एंड 30% रियर। फ्रंट टायर ट्रेड डिज़ाइन वही ध्यान रख के बनाया गया है,
फ्रंट टायर के सेंटर में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी जो आपको बारिश या वेट कंडीशन में एक अच्छी ब्रेकिंग देगा, बिकॉज इट डेविएट वाटर ड्यू टू दिस पैटर्न और डिज़ाइन। और जो रियर टायर है उसका साइड ट्रेड पैटर्न जो टामक या रोड से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता है, वो अपने सुपर वाइड और फ्लैटर टायर प्रोफाइल की वजह से बेटर ग्रिप देता है और हायर स्पीड में एक अच्छी हैंडलिंग देने में काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें इसके रफ़ रोड परफॉर्मेंस की, मुझे ज़्यादा रफ़ रोड पे चलाने का मौका तो नहीं मिला, बट एटलीस्ट आई कैन फील ये टायर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑन रफ़ रोड या ऑफ रोड सिचुएशंस में। ऑब्वियसली ये टायर ऑफ रोड के लिए तो नहीं बने हैं, बट इट हैज़ परफॉर्म डिसेंटली। जिस टेरियन में मैंने इसे चलाया है, स्पेशली ऑन डर्ट पैचेस एंड ग्रेवल्स, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। बट हाँ, आपको काफ़ी सावधान रहना होगा ऑन सडन ब्रेकिंग, वहाँ शायद आपका एक्सपीरियंस आपके ब्रेकिंग और हैंडलिंग में काफ़ी काम आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेट कंडीशन परफॉर्मेंस। अब इस टायर को जब मैंने वेट कंडीशन में चलाया तो इस टायर की स्प्लिट पर्सनालिटी सामने आई। दो अलग वेट कंडीशंस में ये टायर अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो यूजली इस पैटर्न के टायर्स में कॉमन बात है। अब जब मैंने इस टायर को रोड सरफेस के वेट कंडीशन पे चलाया तो कॉन्फिडेंस वॉज बेटर, मुझे बाइक कंट्रोल में लगी। बट वहीं जब मैंने इस टायर को थोड़े कीचड़ या स्लशी एरिया में चलाया, आई जस्ट लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। फिश टेलिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, ट्रैक्शन लूज नहीं किया, मे बी टायर्स आर न्यू, दे डिड गुड जॉब। बट पता नहीं 7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद स्टोरी सेम रहेगी या नहीं, बट ओवरऑल इन टायर्स को आप मोस्टली रोड्स पे ही चलाएंगे और मुझे यकीन है ये आपको वेट कंडीशन में ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा? यस डेफिनेटली, इसको मैंने चलाया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और डेफिनेटली फॉर दिस प्राइस रेंज, दिस फॉल्स इन बिटवीन 4500 टू 5000 रुपीस, 4.5 से 5000 रुपए के बीच में ये टायर सेट आता है, फ्रंट एंड रियर, एंड इट्स टोटल वैल्यू फॉर मनी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कार्कस ब्रेकिंग स्ट्रक्चर पे बना है, सो इट्स 2 times रिजिड एंड स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑर्डिनरी टायर। इस टायर को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इसकी ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग, रफ रोड, वेट रोड कंडीशंस, थोड़ा बहुत बिकॉज मानसून अब तक काफ़ी ख़त्म हो चुका है, जितना भी एक्सपीरियंस किया, इस टायर ने मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक करिए, डू कमेंट डाउन बिलो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।